है अपने YouTube चैनल टीचिंग अप पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी BSTC 2023 की कब तक फर्स्ट लिस्ट आएगी और आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में बताएंगे, और साथ ही में आपके जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने कैंडिडेट उपस्थित रहे थे उसके बारे में भी इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें पहले, और साथ ही में प्रत्येक वीडियो आपको BSTC से संबंधित इस चैनल पर आपको मिलेगी। काउंसलिंग से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सब कुछ आपको इसी चैनल पर आपको बताया जाएगा, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि लगभग कितने नंबरों तक आपको कॉलेज मिल सकता है, लगभग आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, सबसे पहले आपको वो बताएंगे। जैसे कि ये एक प्रकाशन होता है अजमेर से इस पत्रिका का, उसमें बताया गया कि 400 से प्लस है ना उनको तो डेफिनेटली आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। ये साथ में हमारी भी जो भी अभ्यर्थियों से जो भी बात हुई है उनके सुनने से, लगभग पेपर जो था माध्यम लेवल का था, बढ़िया लेवल बनाया था, जीके थोड़ा बढ़िया था, बाकी सब लगभग इजी था पेपर। तो लगभग जिनके 400 प्लस बने हैं उनको तो कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा, और बाकी भी आपको बताएंगे इस वीडियो में बने रहें कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ की बात करते हैं तो आपको बताते हैं जिस हिसाब से हमने ये कट ऑफ बनाई है, आपकी ये पोलिंग करवाई थी हमने उसके हिसाब से बनाई है। ये जनरल की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है मेल और फीमेल की, जैसे मेल की और फीमेल की आप प्लस माइनस 10 कर लीजिए, प्लस माइनस 10 कर लेना, उसमें उससे बाहर ये कट ऑफ नहीं जाने वाली है। या 395 से 400-405 हो सकती है, या 385 हो सकती है, इससे ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होगी। ओबीसी की लगभग आपकी कट ऑफ रहेगी 385, गर्ल्स को तो ओबीसी में 370 से 300, अगर ओवर राजस्थान करेंगी तो 360 पर भी मिलने की संभावना है, अगर ओवर राजस्थान गर्ल्स करेगी ओबीसी के अंदर तो 360 पर भी इनको कॉलेज मिलने की संभावना है। एमबीसी में आपकी 380 लगभग, और ईडब्ल्यूएस में 375, जो जनरल वाले ईडब्ल्यूएस बनाकर ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनकी 375 रहने वाली मेरिट लगभग अनुमानित, और एससी की आपकी 360, और एसटी अनुसूचित जनजाति की 350 के लगभग रहने वाली है। बाकी आप देख सकते हो ये मेन आपको कट ऑफ बता दी है, और साथ ही में जैसे जैसे हमें कोई भी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपको हम प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल पर, और कितने अभ्यर्थी उपस्थित रहे एग्ज़ाम के अंदर वो भी बताते हैं। लगभग आपको बताते हैं कि कोर्ट के आदेश के लेवल 1 में सिर्फ BSTC STC के लिए परीक्षा प्रत्याशियों में 91.23% ही उपस्थित रही, ये उदयपुर का आंकड़ा है, इतने प्रतिशत ही बच्चे वहाँ पर उपस्थित रहे। देख सकते हो 8.76% अनुपस्थित रहे, पहले इतने बहुत ज़्यादा अनुपस्थित रहते, इस बार बहुत कम बच्चे ने अनुपस्थित रहे हैं, मतलब पेपर बहुत ज़्यादा बच्चों ने इस बार दिया गया है। और ये एग्ज़ाम करने वाला है मेवाड़ और वागड़ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए कि ये डिटेल आ रही है सामने। आपको बता दें कि जो उदयपुर में कुल फॉर्म भरे गए थे 39,337 फॉर्म भरे गए थे, उनमें से 35,890 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया, तो इसी हिसाब से एग्ज़ाम भी बहुत बच्चों ने दिया है। तो आपकी कट ऑफ भी इस बार थोड़ी अप ही रहने वाली है, पिछली बार 2022 के मुकाबले 10 से 12 नंबर प्लस ही लेके चलो आप कट ऑफ, और जिन अभ्यर्थियों के 400 प्लस बन रहे हैं उनको तो डेफिनेटली कॉलेज मिलने की संभावना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी थी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।